मुझे GERD की प्रॉब्लम लगभग 5 साल से मैं इस प्रॉब्लम से ग्रसित था। इसके बाद मैंने दाल का पानी पिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर टहला भी नहीं, अपने आप से स्वयं से मैं लगभग 15-20 मिनट टहलता रहा, मुझे किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। इन 2 दिनों में मैंने अच्छे से खाना खाया और सॉफ्ट डाइट भी ली, जूस भी लिया, फल भी लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इन 9 माह में मैंने कोई भी एंटासिड दवा अभी तक नहीं ली है और साथ ही मुझे ना ही कोई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब कुछ जैसे नॉर्मल खाता था आज भी वैसे ही खा रहा हूँ। मैं दीपक गुप्ता जो UP से आया हुआ हूँ, मेरी उम्र 35 साल है। मुझे GERD की प्रॉब्लम बहुत कई सालों से होती थी और ये लगभग मुझे अंदाज है कि लगभग 5 साल से मैं इस प्रॉब्लम से ग्रसित था। लेकिन जब मैंने YouTube पर देखा और मुझे डॉक्टर चिराग ठक्कर के बारे में पता लगा तो मैंने उनसे बात की और बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मैं उनके पास आया तो उन्होंने मुझे इस मोनोमेट्री टेस्ट के लिए सलाह दी और इस सलाह के बाद उन्होंने मेरी नाक पर नली डालते हुए और मेरा टेस्ट किया। इससे मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई पर मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे पता ही लगा कि कब क्या हुआ। और नाक में नली डालने के बाद मैंने 24 घंटे हो चुके हैं आज मुझे, और मुझे खाने में सोने में कहीं प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में लगता है गले में कुछ लगा हुआ है लेकिन फिर आदत सी हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आज मेरे 24 घंटे हो गए हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ इस नली को निकलवाने के लिए, इस मशीन को निकलवाने के लिए। अब इसके बाद जो भी होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद। मैं दीपक गुप्ता UP से आया हुआ था और मुझे चिराग सर से जब मिले हम तो उन्होंने मेरा मोनोमेट्री टेस्ट कराया था और उसके बाद मुझे सर्जरी की सलाह दी थी। मेरी आज सुबह 10 बजे यहाँ पर आ गया था हॉस्पिटल में। इसके बाद लगभग 1:30 बजे मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई और मैं लगभग 3:45 पर मुझे होश आ गया था। मैं अब सब लोगों से बात करने लगा। इसके कुछ घंटे बाद मैं स्वयं से टॉयलेट भी गया और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद मैंने दाल का पानी पिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर टहला भी मैं अपने आप से स्वयं से, मैं लगभग 15-20 मिनट टहलता रहा, मुझे किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। इसके लास्ट में अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले मैंने खिचड़ी भी खाई है और उससे भी मुझे कुछ लगा नहीं। ऐसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगता है लेकिन अटका हुआ है, पर ये पहले से ही सर ने बता दिया था मुझे, पर कोई दिक्कत नहीं है और मैं बिल्कुल बढ़िया है। और मैं वास्तव शौक ढूंढ के इस सर्जरी से मेरे ऊपर लगता है डर, वो कोई डर है ही नहीं, वो इजीली सर्जरी होगी मुझे पता ही लगा। थैंक्स डॉक्टर चाकर एंड उसकी टीम। मैं दीपक गुप्ता UP से आया हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरी सर्जरी होनी है और जब मेरी सर्जरी हुई तो मुझे अगले दिन ही मुझे छुट्टी दे दी गई थी और उसके बाद मुझे 2 दिन बाद यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया गया था। इन 2 दिनों में मैंने अच्छे से खाना खाया और सॉफ्ट डाइट भी ली, जूस भी लिया, फल भी लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद उन्होंने मुझे घर पर जाने की परमिशन दी है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छे से अपने घर पर जा रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर चिराग ठक्कर। मैं दीपक गुप्ता उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मेरा ऑपरेशन जून के माह में हुआ था और आज मुझे लगभग 9 माह होने को आ रहे हैं और मैं यहाँ पर एक बार पुनः चेकअप के लिए आया हूँ। इन 9 माह में मैंने कोई भी एंटासिड दवा अभी तक नहीं ली है और साथ ही मुझे ना ही कोई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब कुछ जैसे नॉर्मल खाता था आज भी वैसे ही खा रहा हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है।